और अब बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी चौथे चरण के प्रचार की कमान संभालेंगे। आज सीतापुर में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जनसभा होने जा रही है। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे मिलिट्री ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी। सीतापुर में चौथे चरण में 23 जनवरी को मतदान होना है और इसके लिए आज पीएम मोदी एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। आज सीतापुर में ये चुनाव प्रचार पीएम मोदी का, जहां सीतापुर में चौथे चरण में 23 जनवरी को मतदान होंगे, लेकिन आज इसके लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और चलिए अब बात कर लेते हैं सीतापुर में राम राज्य संकल्प की भी। पीएम मोदी सीतापुर में आज जनसभा करने जा रहे हैं। क्या खासियत रहेगी, किस तरह का कार्यक्रम है, ये जान लीजिए। दोपहर 2:30 बजे वे मिलिट्री ग्राउंड में रैली करेंगे। सभा स्थल के पास 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। सीतापुर में चौथे चरण में चुनाव होगा, जहां 23 फरवरी को मतदान है और सीतापुर में 9 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों पर प्रभाव बनाने की कोशिश होगी। 2017 में भाजपा ने 7 सीटें जीती थी और सपा और बसपा ने एक एक सीट ही महज अपने खाते में डाली थी, तो 7 सीटें बीजेपी के पास गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे पंकज सिंह और संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बताएं कि जहां पहले तो अच्छा दबदबा सीतापुर में सभी विधानसभाओं पर दिख रहा था, मेजॉरिटी रही थी बीजेपी की, लेकिन इस बार पीएम के यहां आने से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए अनु, आपको बता दें कि सीतापुर में भाजपा के जितने भी कैंडिडेट हैं पीएम की सभा को लेकर ही आस लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि पीएम की सभा होने के बाद भाजपा के पक्ष में बम बम हो जाएगा और सीतापुर का वही मिलिट्री ग्रास फार्म है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में 27 अप्रैल को आए थे और उस समय चारों लोकसभा सीट भाजपा की जीती थी। इसके पहले जब प्रधानमंत्री 2014 में आए थे सिंगरौली में, तब भी चारों लोकसभा की सीटें भाजपा जीती थी। चूंकि विधानसभा के चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतापुर आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इससे आस है कि पीएम की सभा के बाद यहां का माहौल बदलेगा और प्रधानमंत्री की सभा को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। अनु, आपको ये भी बता दें कि सीतापुर में कई रूट डायवर्जन भी किए गए हैं। ठीक है,